दिस इज हाउ माई संडे स्टार्ट्स। लाई मार्केट चल। संडे सुबह सुबह मार्केट जाना कितना तकलीफ देता है पता है क्या? मुझे पता है। जाने दो, लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग फॉर टुडे, दैट इज डायमंड बेकरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं काटा चमचा व्लॉग। This is me Manzoor Khan on my Vespa. So follow me on Instagram. आप सबने कायानी बेकरी का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है देर इज वन मोर बेकरी नेम डायमंड बेकरी जो 2002 में स्टार्ट हुई थी। वो भी बहुत ही माशाल्लाह केक्स और चिकन सैंडविच बनाती है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, उनके चिकन चीज़ सैंडविच इज़ द वर्ल्ड फेमस। खाने के बाद तो आपको तो मज़ा आ जाने वाला, मतलब बस क्या ही बोलूँ। तो हम आज वहीं जाने वाले, बहुत सारे लोग, मैंने वोटिंग भी किया था इस चीज़ पे कि डायमंड बेकरी पे या काटा खीर पे बनाओ, एंड काटा खीर हार गया यार। और हम लोग डायमंड बेकरी जा रहे हैं, राइट साइड में जो दिख रहा वही है। यस यू आर राइट, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देखते रहो एंड तक, मज़ा आने वाला है। फाइनली हम आ गए बेकरी के सामने, लेकिन एक इशू हो गया है, अंदर शूटिंग करना इज़ नॉट अलाउड। स्टिल आई एम गेटिंग सम इमेजेस फॉर यू। डायमंड बेकरी हैज़ कम्प्लीटेड 18 ईयर्स एंड काउंटिंग, एंड लेट मी टेल यू द गाइस, दिस बेकरी इज़ एक जेम इन पुणे, एंड पीपल नॉट ओनली फ्रॉम पुणे सिटी बट इवन फ्रॉम आउटसाइड दिस सिटी ऑल्सो दे आर कमिंग एंड गेटिंग थिंग्स फ्रॉम हियर। सो इट इज़ वेरी फेमस, यू नो, यू शुड विजिट वंस इफ़ यू आर इन पुणे। We are at Diamond Bakery. Pune is known for very iconic bakeries and food joints. And आज हम इसी तरह की बेकरी कवर करने वाले हैं, डायमंड बेकरी, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। उनका स्लोगन है, वी डू नॉट हैव एनी अदर ब्रांचेस। दे हैव मेंशन दैट इन वेरी बोल्ड लेटर्स, बिकॉज उनका कुछ बीच में कॉपीराइट्स के इशू हुए थे। कई लोगों ने न्यू डायमंड बेकरी करके एक सारंगी वेयर में ओपन किया था, एंड दैट्स वाई दे हैव मेंशन दैट इन बोल्ड लेटर्स, एंड उनके हर पैकिंग पे भी होता है। चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती है, चीज़ चिकन सैंडविच जो है इनका 12 या 2 बजे तक ख़त्म हो जाता है वीकेंड पे, और 8 बजे तक बेकरी भी बंद हो जाती है। तो अगर आना हो तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि चीज़ें बहुत अच्छी है, एक बार तो आना बनता है। तो आगे देखते हैं क्या क्या मुझे पता चलता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। ऑल्सो मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि सेफ्टी मेजर्स का भी अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। एट अ टाइम 5 ही लोग अंदर जा सकते हैं, वो वॉचमैन जाने नहीं देता है। एंड वहाँ पे मास्क इज मस्ट, मैंडेड है अंदर जाने के लिए मास्क पहनना होगा, एंड सैनिटाइजर स्टैंड भी ऑप्शनल है। एक सैड न्यूज़ ये है कि मेरे को लेना था वहाँ से चिकन चीज़ सैंडविच, जो नहीं मिला मुझे, बिकॉज मेरे कैश नहीं था और मैंने ATM से निकालने की कोशिश की, बट कुछ इशूज़ थे इसलिए नहीं हो पाया। तो आज मैं वहाँ से कुछ ले नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप वहाँ से ले सकते हो। अब जब भी अगर आप पुणे में रहते हो या फिर पुणे के बाहर से आए हो तो डायमंड बेकरी ज़रूर विज़िट करना। अगर डायमंड बेकरी नहीं आए तो फिर पुणे ही क्यों आए, ऐसा बोलो। कायानी बेकरी के तो बहुत सारे वीलॉग्स बने हुए हैं, बट मुझे कोई भी वीलॉग डायमंड बेकरी पे नहीं मिला सर्च करने के बाद। एंड आई थॉट कि यार इस पे भी बनना चाहिए। दे आर नॉट अलाउिंग शूटिंग इनसाइड, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड ओनली, बट स्टिल विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन विच यू रिक्वायर्ड। जब भी आना यहाँ पे कैश, ओनली कैश कैरी करना, बिकॉज दे डू नॉट सपोर्ट एनी डिजिटल ट्रांजेक्शन। उनका बेस्ट सेलिंग आइटम है चिकन चीज सैंडविच, 5 out of 5 रेटिंग। नेक्स्ट इज मावा केक। आई एम टेलिंग यू, यू इफ यू आर गोइंग देयर Please take this for your family and friends. And the next is Shrewsbury biscuits. Kayani ke bhi famous, and they also bake very good biscuits. And the world famous again veg puff for veggies and non-veggies also. And mango juice. Itna sab khane ke baad pyaas to lagne wali, and they have the amazing mango juice with 4.3 rating. Variety is spine of life, right? And guys, this bakery has carved a niche and name for itself in a short span of time. That's not an easy task if you have a Kayani bakery in the town. So please visit there and let me know if you like this content.
वीडियो देख लिया, आई होप अच्छा लगा होगा सबको। बहुत मेहनत लगी है इसको, मैंने पूरा वीडियो, मेरे और दो लोग थे मेरे साथ, मेरा भाई नूर खान और उसका एक फ्रेंड, तो ये वीडियो मैं 3 दिन से शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज फाइनली हुआ, तो आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स। एंड लास्ट में हमने और कुछ भी शूट किया है वो देखना मत भूलिएगा, वो इसके बाद आने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आया आज का शूट करते हुए, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया आज की वीडियो को। Everyone was, when I was creating this video, people were standing there and looking at me. You could see in the video. So Sunday is gone and आज कुछ काम किया हमने, क्योंकि कल का पूरा दिन वेस्ट था। I was not feeling well since morning, so afternoon में I shot this video. So जो भी आपके सामने, so keep supporting me and share, subscribe, like, सब आपके हाथ में। So share the video. Subscribe to my channel, like the video, और अगर आपको अच्छा लगा तो एक comment भी leave करके बताना कि क्या अच्छा लगा और बुरा लगा तो भी बताना। Till the next vlog में, till then stay safe, stay healthy, do whatever you want to do, but इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक कोल्ड ड्रिंक तो बनता है यार, और रॉयल कोल्ड ड्रिंक्स है तो कहीं और क्यों जाएं। तो यहाँ पे जो इनका कश्मीरी कोल्ड ड्रिंक है गाइस, आई एम टेलिंग यू 30 रुपये का, बट इतना सही लगता है, इतना टेस्टी है। एक बार पियो आप एक गिलास, अगर आपको दूसरा गिलास पीने का दिल ना करे तो मेरा नाम ही बदल दो, मतलब सीरियसली इट्स वेरी यमी। एंड इतना ज़्यादा पॉपुलर है ना, कंटिन्यूस क्राउड फ्लो रहता है उनका कंटिन्यूस, और बहुत हेल्दी होता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स एंड कुछ कुछ चीज़ें होती है। तौरा उर्फ कश्मीरी शरबत फेमस। कैसा लग रहा आपको पी के शरबत का? ओ करण साहब, शरबत पी के कैसा लग रहा है? बढ़िया, एकदम ठंडा ठंडा बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। It is made of dry fruit and some recipe by the royal parvati. Guys, that's it from my side for today. Sunday went well and milte next vlog.